दिन भर के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। स्वागत है सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिनभर, मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सिटी वन परिवार की तरफ से दर्शकों से अपील, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में रहें और सुरक्षित रहें। अब एक नज़र सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि संचारी रोग नियंत्रण स्वच्छता अभियान के साथ ही कोविड 19 की रोकथाम की जाए समुचित व्यवस्था। मंडल का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सर्किट हाउस पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने कहा प्रदेश सरकार लगातार बांधों की मरम्मत और लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर रही है कार्य। चोरी की 5 मोटरसाइकिल के साथ कैंट पुलिस ने 2 शातर चोरों को किया गिरफ्तार। रोहट तटबंध पर स्थानीय जिम्मेदारों की बड़ी लापरवाही, ग्रामीणों के विरोध पर उप जिलाधिकारी ने निरीक्षण कर लगाई फटकार। शासन के निर्देश पर जनपद के टॉप 10 अपराधियों की सूची तैयार कर पुलिस कर रही है कार्रवाई। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को कंपियरगंज थाने के पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। कोरोना वार्ड में भर्ती प्रबंधक ने अपने अनुभवों और सुझावों को ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को कराया अवगत। मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए दिया आश्वासन। और गोरखनाथ थाना क्षेत्र के बिलंदपुर में घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाए जाने पर स्थानीय लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर NIC वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में मौजूद संबंधित अधिकारियों से संचारी रोग नियंत्रण और स्वच्छता अभियान के संबंध में जानकारी प्राप्त कर कहा कि मानसून की दस्तक के बाद संचारी रोगों में इजाफा होता है। पहले भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तैयारियों से संबंधित चर्चा की जा चुकी है। अब संचारी रोग नियंत्रण के लिए किए गए उपायों को जमीनी हकीकत से जोड़ना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। किसी भी मरीज को इन रोगों के तहत ग्रसित नहीं होने देना है। समुचित स्वास्थ्य सुविधा के साथ हमें संचारी रोगों पर नियंत्रण करना है। वहीं स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना होगा। स्वच्छता इन लोगों को रोकने का महत्वपूर्ण हथियार है। हमें कोविड 19 की संक्रमण को ध्यान में रखते हुए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें इस संक्रमण से बचाना भी होगा। समुचित सुरक्षा उपकरणों के साथ हमें इस वैश्विक महामारी से लड़ना है और अपने स्वास्थ्य कर्मियों को भी सुरक्षित रखना होगा। मरीजों से किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो, इसकी लगातार मॉनिटरिंग संबंधित अधिकारियों के द्वारा की जाए। बैठक में ADG दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, DIG राजेश मोडक, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता, ADM सिटी RK श्रीवास्तव, अपर नगर आयुक्त BK सिन्हा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर श्रीकांत तिवारी सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। और 10,000 जो है ये तो होटल का पैसा है, ये रहने और खाने दोनों का भी इंक्लूडेड है, वो धनराशि चली जाएगी होटल वाले को सीधा। इसके दल लगाया जाएगा चिकित्सा विभाग की ओर से, इसमें कि 1 डॉक्टर, 2 नर्सिंग स्टाफ, 1 फार्मासिस्ट, ये 4 लोग की टीम होगी। राउंड द क्लॉक 3 शिफ्ट में तो 12 लोग लगेंगे। और आपका जो भी जैसे होटल सिलेक्ट से उनको जानकारी मिलनी पड़ती है कि आपके जनपद में मैं 1-2 बार हम लोगों से लगभग सारे जनपद भेजा चुके हैं, तो दसवें दिन जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए, लेकिन उसमें जो कैटेगरी जैसे 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं या गर्भवती महिलाएं हैं या जो अभिभावक रहे छोटे बच्चे हैं या कोई
प्रदेश में मानसून की दस्तक और नदियों के उफनाने से कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। ऐसे में शासन के निर्देश पर जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने गोरखपुर मंडल के कुशीनगर, महाराजगंज व अन्य क्षेत्रों का हवाई निरीक्षण किया। वहीं जनपद गोरखपुर में भी जनपद इलाकों का हेलीकॉप्टर से निरीक्षण करने के बाद गोरखपुर के सर्किट हाउस पहुंचे जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने एनेक्सी भवन में मंडल के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के संबंध में जानकारी प्राप्त की। बैठक के दौरान जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि किसी भी हालत में तटबंध की कटान को रोकने के साथ ही लोगों को सुरक्षित रखने की पूरी समुचित व्यवस्था की जाए। वहीं प्रदेश सरकार लगातार नदियों के बढ़ते जल स्तर की निगरानी कर रहा है। बांधों की विशेष निगरानी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं और वह लगातार जिला प्रशासन की निगरानी में बनी रहेंगी। टीमों को समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। लगातार बांधों की मरम्मत का कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जिससे किसी भी स्थिति में कहीं से कोई अप्रिय घटना न सुनाई दे। बैठक में मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडेन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्त, अपर आयुक्त अजय कांत सैनी, एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, एडीएम वित्त आरके सिंह सहित सिंचाई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। हम लोग तेज गति से मीटिंग को स्टार्ट करेंगे। आराम से ले लीजिए। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ने बताया, काम हुए हैं बाढ़ की सुरक्षा के दृष्टि से, इतने ऐतिहासिक थे, इतने अच्छे काम हुए हैं, जिसके कारण से मेरा पूरा गोरखपुर मंडल और पूरा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। मैं कह सकता हूं कि आज 17 तारीख है और पिछले साल 17 तारीख तक 210 मिलीमीटर वर्षा हुई थी और इस बार मानसून पहले आया और 800 मिलीमीटर वर्षा अभी तक हो चुकी है। पिछली बार जो गंडक का डिस्चार्ज था वो 2,40,000 क्यूसिक मीटर था, अब की बार अभी तक गंडक का डिस्चार्ज जो है वो 3,35,000 क्यूसिक मीटर हो चुका है। उसके बावजूद भी सभी बंधे सुरक्षित हैं, सभी लोग सुरक्षित हैं, कहीं कोई बाढ़ का हमारे कुशीनगर में, महाराजगंज में, गोरखपुर और देवरिया में कहीं कोई बाढ़ प्रभावित एरिया नहीं है। दूसरी बड़ी बात है कि हमारे सभी विभागों ने मिलकर के बहुत अच्छा काम किया है। टीकाकरण हो रहा है, जहां एक तरफ पशुपालन विभाग पशुओं का टीकाकरण कर रहा है, वहीं पर स्वास्थ्य विभाग संचारी रोग जो पखवाड़ा चल रहा है और किसी भी प्रकार का किसी को रोग ना हो इसके लिए भी टीकाकरण हो रहा है। NDRF की टीम लगी है, SDRF की टीम लगी है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट राहत के दृष्टि से लगा हुआ है। अभी कहीं पर कोई आवश्यकता नहीं पड़ी है और प्रभु से प्रार्थना है कि आवश्यकता ना पड़े। राप्ती में भी डिस्चार्ज, घाघरा का डिस्चार्ज और गो गंडक का, नारायणी का डिस्चार्ज, रोहन का डिस्चार्ज और सभी नदियों का डिस्चार्ज जिस तरीके से इस 15 दिन के अंदर बढ़ा नेपाल से पानी आने के बाद भी, लेकिन सब पूरा एरिया हमारा सुरक्षित है। आज मैं इन सब जिलों के भ्रमण करते हुए आ रहा हूँ। जो लोग पानी पर राजनीति करते थे, हमारे अभी मैं अमवा खास तटबंध पर गया था और अमवा खास तटबंध आप सब लोग जानते हैं कि बरसों से उस पर राजनीति होती रही और एक तथाकथित जो कांग्रेस के अध्यक्ष वहाँ के हैं उसी अमवा खास तटबंध पर केवल ठेकेदारी और पट्टेदारी को लेकर के जो वहाँ पर राजनीति करते थे, आज उनको पूरी तरीके से पता चल गया है। वीडियो कैमरा लगा करके पहली बार माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में योगी की सरकार ने बाकायदे जनता जनार्दन के लिए भी हम कैमरा लगा करके काम करा रहे हैं और उस काम को देखने के बाद वहाँ की जनता इतनी प्रसन्न थी। अभी मैं नारायणी का पूजन भी किया हूँ, वहीं से मैं सीधे आपके पास आ रहा हूँ। पूरा काम ऐतिहासिक हुआ है, हम सब लोग लगे हैं, पूरा विभाग अलर्ट है, सभी विभाग डिपार्टमेंट मिल करके काम कर रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में भी जो वर्षा ऋतु भी बाकी है उसमें भी बाढ़ से पूरे उत्तर प्रदेश को हम लोग बचाएंगे, कहीं कोई संकट नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसके लिए हम लोग पूरी तरीके से तत्पर हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि सभी इंपॉर्टेंट बंधों पर कैमरे लगाए जाएँ, सब जगहों पर कैंप स्थापित किए जाएँ, रात में वहाँ पर अधिकारी रहें, सब जगहों पर जनरेटर लगाया जाए और अभी से ही हाइलोजन की व्यवस्था रहे,
इमरजेंसी लाइट रहे, टार्च रहे, अगर कभी कोई समस्या आती है तो उस पर हम लोग तत्परता के साथ काम कर सके। बहुत अच्छी बात आपने कही है। पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए, महुआ जो है वो नाला है, तटबंध नहीं होता है, आपको जाकर के देखना चाहिए। और मैं उसको देख करके आ रहा हूँ, जंगल के बीच में पेड़ों के और उनके कारण से जहाँ पर सफाई नहीं हो जाती थी नालों की, उसके कारण से जंगल के बीच में जो हमारा नाला जाता है उसका पानी उफनाया है। आप वहाँ कहीं पर पानी नहीं है, कोई तटबंध, इसको आप तटबंध शब्द यूज मत करिए, आप वो नाला है। दूसरी बात, आपने खड्डा की बात कही, एक बार मैं आपको आमंत्रित करूंगा और खड्डा तक जा करके देख करके आइए। आपकी ये सूचना 100% गलत है। खड्डा में पूरी तरीके से, कुशीनगर में पूरी तरीके से, पूरी गंडक में, पूरी नारायणी में, पूरी रोहन में, पूरी राप्ती में, पूरी घाघरा में कहीं कोई समस्या नहीं है, लेकिन पानी का डिस्चार्ज मैक्सिमम हुआ है, इसलिए स्वाभाविक रूप से नदी तट तक किनारे पर आई हैं, बंधे से टकराई हैं, और उनकी सबकी सुरक्षा और बंधे के काम के कारण से हम लोग सुरक्षित हैं। आगे जहां कहीं भी कोई समस्या आएगी, हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ उस पर काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता द्वारा जनपद में चोरी की नीति की घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ के परिरक्षण व क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला के नेतृत्व में कैंट थाना प्रभारी रवि राय ने 5 मोटरसाइकिल के साथ 2 छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है। अरे उनका ब्रिजेश जी का दो दिन पहले गायब हो गया था, तो बढ़िया हो गए अभी नहीं भाई, कटवेज बना रहे हैं। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, शाम के टाइम यातायात तिराहे पर चेकिंग की जा रही थी, उसी समय सूचना मिली कि कुछ लोग चोरी की मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। इन पे जब उनको पकड़ा गया तो ये लोग जिस गाड़ी से थे उससे पूछताछ की गई, वो गाड़ी चोरी की थी। फिर इसकी निशानदेही पर जब इनसे और थोड़ा पूछताछ की गई तब पता चला ये लोग चोरी की गाड़ी चुराते हैं, उसको भिन्न भिन्न जगह ले जाके बेचते हैं। इनकी निशानदेही पर रीजनल स्पोर्ट्स कॉलेज के पास में इसकी गाड़ी पकड़ी गई थी। फिर सिविल लाइन क्षेत्र में 4 गाड़ियां और बरामद की गई, तो कुल 5 गाड़ियां इनकी निशानदेही पर बरामद की गई, जिसमें से 3 गाड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है। एक गाड़ी हमारे 906 से चोरी हुई थी, उसके मालिक को बता दिया गया, एक कैंट में ही मुकदमा लिखा है, और एक गाड़ी मुंडेरवा से बस्ती से चोरी हुई थी, वो भी कनेक्ट हो गई, उनको भी सूचित कर दिया गया है। शेष जो अन्य 2 गाड़ी हैं उनके मालिक पता कर लिए गए हैं, उनको भी जल्दी जल्दी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है। इनका कोई ब्यूरो है सर? निश्चित रूप से यह है कि हाल फिलहाल नहीं, लेकिन इन पर 2 मुकदमे अभी तक हम लोग को मिले हैं, जो पहले भी पंजीकृत थे, वो भी चोरी संबंधित ही पंजीकृत थे। ये बेसिकली चोरी हैं, ये विभिन्न प्रकार की चोरियों में ही अभी तक जेल गए हुए हैं। 5 गाड़ियाँ बरामद की गई, गाड़ियाँ सब बाहर खड़ी हैं आपके सामने, 5 गाड़ियाँ बरामद की, इसमें 3 गाड़ियों के जो मालिक हैं उनको सूचित कर दिया गया है। शेष 2 गाड़ियाँ भी ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, उम्मीद है शाम तक वो भी ट्रेस हो जाए। चौरी चौरा तहसील क्षेत्र में स्थित ब्रह्मपुर ब्लॉक के रोहा तटबंध पर जिम्मेदार विभाग द्वारा प्रभावी कार्य न किए जाने पर सपा मुन्नीलाल के नेतृत्व में उप जिलाधिकारी अर्पित गुप्ता से अवगत कराने के बाद उप जिलाधिकारी अर्पित गुप्ता ने राप्ती नदी द्वारा 2017 में तोड़े गए रोहा तटबंध पर चल रहे कार्य का निरीक्षण किया। तटबंधों के मरम्मत कर रहे लोगों द्वारा रोहा तटबंध पर प्रभावी कार्य न होने से उप जिलाधिकारी ने जिम्मेदार लोगों को फटकार लगाते हुए अविलंब रोहा तटबंध पर प्रभावी कार्रवाई का आदेश दिया है। मानसून आने के बाद से नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ोतरी की तरफ अग्रसर है। ब्रह्मपुर ब्लॉक से होकर जाने वाली गोर्रा राप्ती नदियों के अलावा सरदार नगर में बहने वाले मझना व फारन नाला भी उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ने से तहसील क्षेत्र के 52 गांवों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसको देखते हुए क्षेत्र में कई जगहों पर बाढ़ चौकियां बना दी गई हैं। तटबंधों का रेनकट व रेंट होल्स को ठीक कराया जा रहा है।
कटान वाली जगह पर सपा नेता मुन्नी लाल यादव व ग्रामीण लगातार कार्य कर रहे हैं। जिम्मेदारों ने अब तक प्रभावी कार्य नहीं किया है, जिसकी शिकायत पर उप जिलाधिकारी अर्पित गुप्ता ने रोहा तटबंध का स्वयं निरीक्षण कर प्रभावी कार्य किए जाने का आश्वासन दिया है। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उप जिलाधिकारी अर्पित गुप्ता, सपा नेता मुन्नीलाल यादव, स्थानीय संतोष कुमार शुक्ला ने बताया, रोहा में 2017 में आई बाढ़ में वो वहाँ पे कटान हुई थी काफी, जिससे गांव में पानी गया था, वही का मैं देखने गया था। वहाँ पे विभाग के द्वारा काम किया भी जा रहा है, कुछ कहीं पे कमियां थी तो वो बता दिया गया है, उसको कल तक वो दूर करके कल फिर मैं जाऊंगा देखने। 2017 में ग्राम रोहा में लगभग 200 मीटर बंधा टूट गया था। सामने जो जहाँ हम सामने खड़े हैं सीधे नदी सेकंड नदी बन गई है, नए बंधे के जो नया बंधा है सेकंड नदी आकर उस पर टकरा रही है। हम लोग मांग करेंगे प्रशासन से, अगर बोल्डर पीचिंग नहीं हो पाया तो कम से कम बोरी पीचिंग करा दिया जाए नए बंधे पर। है कि 2017 में जब यहाँ रोहा बंधा कटा और इस कछारंचल का 52 गांव इस कटान से तबाह हो गया, पूरा ये गांव की जो खेती थी बालू के रेत में परिवर्तित हो गई, यहाँ के किसान भूखमरी के कगार पर आ गए। उस समय तत्काल में ग्रामीणों द्वारा एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपा गया कि तत्काल इस बंधे की जो जहाँ कटान हुआ है उसको बोल्डर से पीचिंग कराई जाए ताकि भविष्य में इस तरह की दुर्दशा न देखी जाए। लेकिन दुर्भाग्य है 2017 से लेकर के आज 2020 है और 2020 तक उस बोल्डर पीचिंग की के बारे में सोचा भी नहीं गया। अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता, सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा, हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो, तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। हर खरीद पर पाएं आकर्षक छूट, साथ में फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत, हाय मनमीत विद मीत ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिनभर। शासन के निर्देश पर जनपद गोरखपुर में टॉप 10 अपराधियों की सूची जारी कर उन पर कार्रवाई करने के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता के निर्देशानुसार जनपद के क्षेत्राधिकारियों द्वारा सूची तैयार कर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए क्षेत्राधिकारी कैंट सुमित शुक्ला ने बताया, समय निर्देश पे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं सभी अधिकारियों ने अपने अपने टॉप 10 अपराधी चुने थे और उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। इसी संदर्भ में दो अपराधी, एक धीरू पासवान एक विशाल करके दो अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। ये दोनों ही पूर्व में हार्डकोर क्रिमिनल धीरू पासवान मिथुन पासवान गैंग का व्यक्ति है, जिसने पुलिस पर भी हमला किया था। ये काफ़ी ही मतलब गैंगस्टर भी लगाया गया था पूर्व में, पुलिस मुठभेड़ भी इनके साथ हुई थी। ये काफ़ी ही कठोर मतलब अपराधी हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है, इनके कृत्यों की जानकारी की जा रही है कि जब से जेल से छूटे हैं इन्होंने क्या कृत्य कर रहे हैं। अगर किसी प्रकार की सहभागिता पाई जाएगी तो इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी बरामदगी ऐसी नहीं हुई है, लेकिन वही पूछताछ की जा रहा है कि जब से जैसे छूटे किस कार्यों में लिप्त हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें अगर कोई भी इनकी संलिप्त पाई जाएगी तो निश्चित ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो एक दूसरा अपराधी पकड़ा गया वो भी 2-3 बार जेल गया हुआ है, एक गैंग का मेंबर भी रहा पहले है, 3 बार जेल गया है, उससे भी पूछताछ की जा रही है कि जब से जेल छूटे इनके आय का स्रोत क्या है, क्या कर रहे हैं,
ऐसा तो नहीं है कि कार्य कर रहे हो और इन पर अभियोग न पंजीकृत हो, इस तरह के कोई भी कृत्य मिलेगा तो इनके खिलाफ कठोर विधिक कार्रवाई की। कंपियरगंज थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की से बलात्कार की घटना को गंभीरता से लेते हुए क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना प्रभारी निर्भय नारायण सिंह ने अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर टीम गठित कर गिरफ्तार किया है। पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता के दौरान क्षेत्राधिकारी कंपियरगंज दिनेश कुमार सिंह ने बताया, अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा बराबर प्रयास किया जा रहा है। उसके क्रम में थाना कैंपियरगंज के अंतर्गत एक लड़की के साथ, नाबालिग लड़की के साथ रेप की घटना हुई है, जिसके कुछ ही घंटों बाद अपराधी को पकड़ लिया गया है और ये जिसका नाम रामानंद सनाप राजनाथ यादव, ग्राम डुमरिया, थाना कैंपियरगंज है। गिरफ्तारी ये हमारे यशो साहब के उसमें मार्गदर्शन में और सीओ चौकी इंचार्ज करमैनी अखिलेश त्रिपाठी और कांस्टेबल प्रदीप मिश्रा, इन दोनों के द्वारा गिरफ्तारी की गई है। लड़का घर पे ही रहता है, घर पे खेतीबाड़ी का काम करता है। गोरखपुर के बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज के कोरोना वार्ड में भर्ती महात्मा गांधी इंटर कॉलेज गोरखपुर के प्रबंधक मनकेश्वर नाथ पांडे ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपने सुझावों तथा वार्ड के अनुभवों को ईमेल के माध्यम से अवगत कराया, जिसके संबंध में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव ने जवाब देते हुए दूरभाष के माध्यम से बात की। बातचीत के दौरान विशेष सचिव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने आपके सुझावों को गंभीरता से लिया है तथा आपके सुझाव पर हर कोरोना वार्ड में टीवी की व्यवस्था, साफ सफाई पर विशेष ध्यान, सफाई कर्मियों की ड्यूटी 8 घंटे के बजाय 6 घंटे करने पर विचार करने को कहा गया है। पीपी किट पहनकर 8 घंटे ड्यूटी करना कठिन कार्य है। वहीं विशेष सचिव ने शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मैं 10 जुलाई से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में कोरोना मरीज के रूप में भर्ती हूं। मैंने यहां की परिस्थितियों को देखने के बाद 14 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज को एक मेल भेजा, जिस पर उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए अपने विशेष सचिव को मुझसे बात करने के लिए निर्देशित किया, जिस पर 16 जुलाई को उनके विशेष सचिव ने मुझसे वार्ता की और मेरे अनुभवों को जानना चाहा। सबसे पहला अनुभव मैंने उनसे यही कहा कि कृपया आप अपने स्टाफ जो कि नर्स, सफाईकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ के लोग हैं, उनकी सेवाएं 8 घंटे की जगह पे 6 घंटे की करें, क्योंकि 8 घंटे तक पीपीई किट पहनकर कोई भी मनुष्य कार्य नहीं कर सकता है। उनकी आंखें बिल्कुल भर जाती हैं, उन्हें दिखता नहीं है और अंदर पसीने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत होती है। दूसरी बात मैंने ये कहा कि सकारात्मक समय मरीजों का कटे, इसके लिए हर वार्ड में टीवी लगाई जाए जिस पर रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक कार्यक्रम दिखाए जाएँ, जिससे मरीजों का उत्साहवर्धन हो। गोरखनाथ थाना क्षेत्र के सूरजकुंड धाम नगर स्थित बिलंदपुर काली मंदिर के पास एक नेता द्वारा घनी आबादी के बीच अपने आवास पर मोबाइल टावर लगवाए जाने पर स्थानीय लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि घनी आबादी में मोबाइल टावर लगने से तमाम तरीके के रेडियंस निकलने की वजह से काफी दिक्कतें हो सकती हैं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए स्थानीय रवि प्रताप सोनकर ने बताया, सूरजकुंड धामनगर स्थित बिलनपुर काली मंदिर, थाना गोरखनाथ, जिला गोरखपुर, अब्दुल्ला अंसारी के मकान पर टावर लगाया जा रहा है। इस टावर के विरुद्ध में
बिलनपुर की पब्लिक, यहाँ की पब्लिक विरोध में इकट्ठा हुई थी और इससे पहले थाना गोरखनाथ को इन्फॉर्म किया गया था। दिन भर में बस इतना ही, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।